दूसरा लॉकडाउन खत्म होने से पहले ही देश में तीसरा लॉकडाउन जारी कर दिया गया है, लेकिन इस लॉकडाउन के बीच छूट देने की तैयारी भी कर ली गई है। मॉल, सिनेमा हॉल, होटल, स्कूल सब बंद रहेंगे। 17 मई तक देश में रेल, मेट्रो, हवाई सेवा, रेल सेवा सब बंद रहेगी। स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। इसके साथ ही होटल और धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। 17 मई तक ये आदेश सभी जोन में लागू रहने वाला है, लेकिन क्या खुला रहने वाला है और क्या बंद रहने वाला है ये भी आपको बताते हैं। रेड जोन की तुलना में ग्रीन और ऑरेंज जोन में थोड़ी सी रियायत दी गई है। कंटेनमेंट जोन में कोई भी रियायत नहीं दी गई है। रेड जोन वाले सभी निवासियों के पास आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होना चाहिए। कंटेनमेंट जोन में ऐप के जरिए सभी पर निगरानी रखी जा सकेगी। हॉटस्पॉट जोन में किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं होगी। गैर आवश्यक कार्यों के लिए आवाजाही पूरी तरीके से बंद रहेगी। इसके साथ ही सभी जोन में बुजुर्गों, गर्भवती महिला और बच्चों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। अगर बात करें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की, तो तीनों ही जोन में मेडिकल, ओपीडी और क्लिनिक खुले रहेंगे। लोगों को सामाजिक दूरी और अन्य दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। तीसरे लॉकडाउन में दुकानों पर शराब, पान, मसाले की बिक्री होगी, लेकिन नियमों का पालन करना जरूरी होगा। ग्रीन और ऑरेंज और रेड जोन तीनों ही जोन में शराब, तंबाकू और सिगरेट की बिक्री की अनुमति गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई है, लेकिन कंटेनमेंट जोन में ये पाबंदी लगातार जारी रहेगी। आपको बता दें, सार्वजनिक जगहों पर शराब, सिगरेट और तंबाकू का सेवन करना भी मान्य नहीं होगा, अपराध माना जाएगा। मॉल्स और मार्केटिंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शराब की बिक्री नहीं होगी और सार्वजनिक जगहों पर इनके सेवन की भी अनुमति नहीं होगी। रेड जोन में ज़रूरी चीज़ों की ऑनलाइन सप्लाई को भी शुरू कर दिया गया है। तीसरा लॉकडाउन कुछ कुछ छूटों के साथ आ रहा है। प्राइवेट दफ्तरों में 33% लोग काम कर पाएंगे, बाकी को सिर्फ घर से काम करने की अनुमति होगी। और इन जोन में अधिकांश व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को भी अनुमति दे दी गई है काम करने के लिए। ग्रीन जोन में सीमित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है, यानी लॉकडाउन एक तरीके से वहां पर खुला हुआ है, लेकिन एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ग्रीन जोन में 50% सवारी तक बैठ सकेंगी तो 50% कर्मचारी प्राइवेट दफ्तरों में काम कर सकेंगे। सभी मालवाहक वाहनों के यातायात की अनुमति भी इस लॉकडाउन 3.0 के अंतर्गत दी गई है, यानी कोई भी मालवाहक गाड़ी या मालगाड़ी इस राज्य से दूसरे राज्य आ जा सकेगी और इसके लिए किसी भी अलग पास की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये लॉकडाउन बेहद ज़रूरी था और इस लॉकडाउन में छूट भी दी गई है, लेकिन आयन भारत की आपसे अपील है कि इस लॉकडाउन में सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, कोरोना को हराने में बड़ी भूमिका निभाएं।